वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले मैंने अपने लिए कॉर्ड सेट्स बनाए थे, तो वो मैंने शॉर्ट्स में डाला था। तो आज मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो लेट्स सी मैंने क्या बनाया हुआ है, तो देखते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ट्राउज़र की कटिंग बताऊँगी जो मैंने बहुत ईजी वे में बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैं मेज़रमेंट लेंथ की लूँगी। तो मैंने लेंथ 36 लिया है, तो दो माइनस करके, क्योंकि दो इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी, तो मैंने 34 लेंथ ली। और क्रॉच एरिया मैंने लिया 11, दो इंच माइनस करके 9, और थाई एरिया मैंने ली 12। और इसको मैंने नीचे से जॉइंट करके फिर इसको कट कर लिया। ये मेरा निशान है, मार्क मेरे को ही नहीं दिख रहा है, तो इस पर कुछ खास दिख नहीं रहा है। फिर मैंने इसको कट करके यहाँ पे हम क्रॉच एरिया स्टिच करेंगे, एंड ये पैर का एरिया जो होता है इसको स्टिच कर देंगे। इसको मैंने स्टिच करने के बाद हमने जो नीचे का एरिया होता है वो मैंने 12 ही रखा था, क्योंकि मुझको फ्लेयर चाहिए था। तो ये बेल्ट है, मैंने 2 इंच की बेल्ट ली थी, इसको जॉइंट करके मैं अटैच करूँगी। ये फ्रंट एरिया पर मैं बुकरम और लास्टिक नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ कपड़ा यूज़ करूँगी, उसको फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि बुकरम बहुत फिर बाद में सिकुड़ जाता है। और बैक साइड पे मैं इलास्टिक यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैं इसको अटैच कर दूँगी, इसके बाद इलास्टिक लगा दूँगी बैक साइड। और इसको बनाने में मुझे बहुत ही कम टाइम लगा, बहुत इजी वे में बना दिया था मैंने। इसके लिए मैंने पॉकेट वॉकेट मतलब पॉकेट नहीं बनाई, नेक्स्ट टाइम अगर मैं बनाऊँगी तो मैं पॉकेट यूज़ करूँगी, बट मैं इस बार सिंपल ट्राउज़र बनाना चाह रही थी। और इसके टॉप की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊँगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।